क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट हिंदी के प्रश्नोत्तर, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन कराया जाता है। वो 25 क्वेश्चन आपका जबरदस्त होने वाला है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, कुंदन का पर्यायवाची होगा, बताएंगे हेम, बी दुश्मन, सी मतंग, डी स्वजन। तो ए का कौन सा बेहतरीन जवाब, आपका कुंदन का पर्यायवाची हेम होगा। कौन सा? हेम होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर दो, कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर दो, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए मंत्रणा, बी सभा, सी मंडली, डी न्याय। तो बताएंगे बेहतरीन जवाब दो का डी हो जाएगा। न्याय जो है वो पुल्लिंग है, मंत्रणा मंडली और सभा क्या है आपका? स्त्रीलिंग। इसको नोट करते चलिएगा, जो लगे आपको कि जैसे मतलब अब ये तीन मिल गया आपको, एक न्याय सही है पुल्लिंग है और क्या है तीनों क्या है आपकी स्त्रीलिंग है, तो इसको नोट कर लिए कि अगली बार जब ये मिले तो आपका सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्व भूतकाल का उदाहरण है? तो बताएंगे वे गए थे, बी वे खा रहे थे, सी वे आए थे, वे सोकर उठे हैं। तो पूर्व भूतकाल कौन सा हो जाएगा भैया? तीसरा का आपका सी हो जाएगा, वे आए थे आपका पूर्व भूतकाल है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर चार, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए, ए तुमको, बी मुझे, सी पढ़ाना, डी है। तो बताएंगे भैया चार का बेहतरीन जवाब भैया हो जाएगा तुमको, यही आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पाँच, निम्न में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? ए रामचरितमानस भक्तिकाल, बी की श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठम, सी रचना मानी जाती है, डी कोई त्रुटि नहीं है। तो बताएंगे पाँच का कौन सा बेहतरीन जवाब भी हो जाएगा कि सबसे श्रेष्ठम रचना मानी जाती है। हम आपको बताते चले कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जो कम समय में बहुत ज़बरदस्त एकदम तैयारी करा दे, तो वो आप द मास्टर प्रकाश क्लासेज देख रहे हैं और आपको प्रत्येक दिन नया नया मतलब प्रैक्टिस सेट, अच्छा कंटेंट जो एकदम परीक्षा में पूछा ही जाएगा वो दिया जा रहा है। और इससे अलग भी आपको PDF बनवाया गया है जिसमें आपका वन लाइनर भी है और आपका कंटेंट जैसे टॉपिक संबंधित भी है कि आप थ्योरी में भी प्राप्त कर सकते हैं और वन लाइनर में भी। तो बिना देरी लगाए आप लोग नीचे व्हाट्सएप नंबर होगा उस पर आप कॉल कर सकते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर छः, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी आपका तत्पुरुष। तो छः का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, द्विगु। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर सात, कौन सा भैया? सात, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शिक्षणेतर, बी शिक्षणेतर, सी शिक्षणेतर, डी आपका शिक्षणेतर। सात का भैया बताएंगे बी हो जाएगा, शिक्षणेतर। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर आठ, द्विकर्मक वाक्य में कर्म कार्य के विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है? बताएंगे भैया ए प्रधान कर्म पद के साथ, बी क्रिया पद के साथ, सी गौण कर्म पद के साथ, डी कर्ता पद के साथ। तो आठ का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, गौण कर्म पद के साथ। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर नौ, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए, खूंटियाँ, बी खूंटियों, सी खूंटियाँ, डी खूंटियों। तो नौ का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, खूंटियाँ। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर दस, अनुरूप में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी आपका अव्ययी। तो दस का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा डी, अव्ययी भाव समास, क्योंकि जिसका पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञावाची हो उसे क्या कहते हैं भैया? अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास क्या होता है भैया? जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? तो जिसका दोनों पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद प्रधान होता वहाँ आपका बहुव्रीहि समास होता है। और विशेषणम विशेषण, जो विशेषण पहला पद हो दूसरा पद आपका विशेष से हो वहाँ आपका कौन सा? कर्मधारय समास होता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर ग्यारह, एक की वर्तनी शुद्ध है, ए षट दर्शन, बी अनापेक्षित, सी क्लिष्ट, डी पर्यवसान। तो ग्यारह का बेहतरीन आंसर आपका हो जाएगा भैया डी पर्यवसान। अगला देखना क्वेश्चन नंबर बारह, आकर्षण का विलोम क्या होगा? बताएंगे विशेषण, बी समकर्षण, सी विकर्षण, डी संरक्षण। तो बारह का बेहतरीन जवाब आप लोग का सी हो जाएगा, आकर्षण का विलोम क्या होगा? विकर्षण। वीडियो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए और
क्या कहते हैं कि प्रत्येक दिन वीडियो देखिए भी और कमेंट बॉक्स नीचे करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और एक जिम्मेदारीपूर्ण बातें बताते हैं भैया कि आप लोग अगर किसी टॉपिक में गलती हो रही हो, एक तो आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं, ये नहीं लिखते हैं कि मैडम हमारा इतना क्वेश्चन सही जा रहा है। इतना क्वेश्चन सही जाने का ये मतलब होता है ना कि आपको एवरेज पता चल जाएगा कि अभी आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है। वो टॉपिक कमज़ोर है जो टॉपिक आप इस पर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये चीज़ें हमारा कमज़ोर है, तो वो चीज़ें आपको करवा दिया जाएगा, मतलब अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा, आप लोग भी बढ़िया। और उसका कोई चार्ज लगना नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है, तो आप उस निःशुल्क का फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और जहाँ जितने भी गरीब बच्चे हैं, गरीब का मतलब जिनके पास गरीब कोई नहीं होता, जिसके हाथ पैर होता है, भगवान ने जिसको दिया है, कहने का ये मुद्दा है कि जो पैसा पे नहीं कर सकते और निःशुल्क सोचते हैं कि हम सुपर टेट की तैयारी कर लें, तो द मास्टर प्रकाश क्लासेज आप लोग के सदैव साथ है। तो बस आप लोग फोन घुमाना है या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मैडम ये टॉपिक हमारा क्लियर नहीं है, इसको आप क्लियर करा दीजिए, वो आपको क्लियर करा दिया जाएगा। देखिएगा, अब हम बताते चले आपको कि यहाँ आप जुड़े हैं तो आपको प्रत्येक दिन एक एक प्रश्नोत्तरी मिलती है, एक प्रश्नोत्तरी प्रत्येक दिन आपका एक नियम बन गया है, समझ रहे, वो भी विश्लेषण सहित। और एक प्रश्नोत्तरी तो सिर्फ आपको ये मिलती है अलग अलग अध्यापकों द्वारा, और एक आपको मिलती है 150 क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी जिसमें आपका संपूर्ण क्वेश्चन रहता है, आप उसमें भी भाग ले सकते हैं, इसमें भी भाग ले सकते हैं। अंतर इतना है कि वो 150 क्वेश्चन आपको एक घंटे के अंदर करा दिया जाता है, और इसमें क्या होता है अलग अलग कंटेंट अलग अलग टीचरों द्वारा करवाया जाता है। तो बेहतरीन आप लोगों के लिए दोनों है, आप समझ लीजिएगा कि आपका जो मास्टर प्रकाश से जुड़े हैं तो आपका लगभग 400-500 रुपये महीने बचता है, क्योंकि मार्केट में कोई भी किताब 10% अगर उसमें है तो 1500-150 रुपये से कम नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। अब आपको ये निःशुल्क दे रहा, और विद विश्लेषण, जिसमें आपको कोई गलती लगे तो आप फोन भी कर सकते हैं, तो किताब वाले में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। कुछ नहीं करने का मतलब ये है कि वहाँ भी उस सर लोग जो रहते हैं बात करते हैं, लेकिन आप यहाँ फ्रेंकली एकदम पूछ सकते हैं। तो लगातार बने रहिए आप लोग, और वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये पूरा फैल जाए, समझ रहे हैं। और आप लोग की कृपा से द मास्टर प्रकाश क्लासेस प्रत्येक दिन बढ़ ही रहा है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, राजा शब्द का विलोम लिखित लिखो, गरीब, दरिद्र, सी रंक, डी भिखारी। तो सबका सही है, लेकिन शुद्ध विलोम होगा रंक। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर 14, फूल का पर्यायवाची नहीं है, बताएंगे सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। तो तीन पर्यायवाची हैं, सुमन, पुष्प, कुसुम है, लेकिन तनुजा माने होता है पुत्री, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये है आपका गद्यांश, और 15 और 17 हल करना है। देखिए पढ़ते हैं गद्यांश, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूल अधिकार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया गया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए, विज्ञान के साथ में पहुंच गए हैं। इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का भी नाश हो सकता है, इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोक हित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, यही जो गद्यांश पढ़े भैया, आप लोग का कमेंट आ रहा था कि मैडम जी थोड़ा स्पीड कम करके गद्यांश दिखाइए, तो हम नियम सोचे कि स्पीड कम करने देखने से अच्छा है कि हम पढ़ ही दें, समझ रहे हैं। अब तो बढ़िया बेहतरीन समझ में आएगा, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, बी वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है, सी वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, डी उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। तो 15 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा भैया सी, कौन सा 15 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, कौन सा भैया सी, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 16, हमारी विज्ञान धृति शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, ए जीवन का अपरिसीमन भौतिक विकास, बी जीवन का सर्वांगीण विकास, सी जीवन का एकांगी विकास, डी गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। तो 16 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा 17,
मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोक सकता है? ए, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके। बी, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। सी, प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके। डी, मानव सभ्यता का विकास करके। तो 17 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा 18? घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ क्या है? ए, बहुत ही नाजुक मिजाज। बी, दंडी मारने में कुशल व्यापारी। सी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो दूसरे पल कहीं नुकसान। डी ऑप्शन, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। 18 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। ए, हंसी। बी, वचन। सी, विधवा। डी, शौर्य। तो 19 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा ए, तद्भव जो होता है हंसी है। हम आपको बताते चले, अगर किसी शब्द के ऊपर चंद्र की बिंदी लगा है तो वो 100% गारंटी है वो आपका चंद्र बिंदु वाला शब्द तद्भव ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चंद्र बिंदु वाला शब्द है केवल हिंदी भाषा में ही प्रयोग होता है। अगला देखिएगा इसका मतलब और तीन क्या और तीन तत्सम है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीता धन अन। बी, गीत धन अंजलि। सी, गीतान धन। डी आपका गीत धन अंजलि। तो 20 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, गीत धन अंजलि। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? भ्रमर। बी, भ्रातृज। सी, भ्राता। डी, भ्रातृज्या। तो 21 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, कौन सा भैया? 21 का जवाब आपका बी हो जाएगा, भ्रातृज्य। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ए, मस्त रहना। बी, फांका करना। सी, अलगाव की स्थिति। डी, संपन्नता की स्थिति। तो क्या हो जाएगा? अलगाव की स्थिति। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण है। ए, अजय। बी, जिज्ञासा। सी, जिगीश। डी, जिज्ञासा। तो बताएंगे, बहुत बेहतरीन आंसर 23 का सी हो जाएगा, जिगीश। आप लोग वीडियो को बढ़ाते रहिए, इतना बढ़ाते रहिए कि लाइव कम से कम 10,000 आए। समझ रहे हैं आप बातों को। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। भूधर शब्द के लिए एक वाक्य है। ए, भूगर्भ विज्ञान का जानकार। बी, भूमि से उत्पन्न होने वाला। सी, जो भूमि को धारण करे। डी, भू पृथ्वी से संबद्ध। तो 24 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, जो भूमि को धारण करे। अगला देखिएगा 25 और इस सेशन का लास्ट सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ होगा, आंखों का तारा। बी, नाक का बाल होना। सी, अंधे की लाठी होना। डी, आंखें बिछाना। तो बेहतरीन जवाब होगा 25 का सी हो जाएगा, अंधे की लाठी होना। क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा होना। आप लोग वीडियो जो है जितना हो सके कम से कम शेयर करिए। समझ में आ रहा है कि जैसे मतलब कम एक लोग कम से कम 30-40 लोग को शेयर करिए। ऐसे ऐसे दामाश्र प्रकाश क्लासेस जो है बहुत बड़ा हो जाएगा और ऊर्जावान होकर आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छा कदम उठाएगा। अभी तो सिर्फ फोकस किया गया आपके सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट पे। तो मिलते हैं और आप लोग पढ़ते भी रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।